नमस्कार बिजनौर तक में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि पर्व पर कावड़ यात्रा को लेकर थाने में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। सीओ नजीबाबाद, एसडीएम नजीबाबाद, थाना अध्यक्ष मंडावली द्वारा आयोजित की गई बैठक में कावड़ यात्रा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में बताया गया कि कावड़ यात्रा मार्ग पर कोई भी मीट की दुकान नहीं खुलेगी, नॉनवेज होटल बंद रहेंगे, मोटा महादेव भागुवाला बाईपास मार्ग पर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। क्षेत्र के सभी लोगों से कावड़ यात्रा में सहयोग करने को कहा गया। कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार इस बार कावड़ियों के लिए कोई भी सेवा शिविर नहीं लगेगा। थाना अध्यक्ष हिमांशु चौहान ने बताया कि कावड़ यात्रा पूरी तरह से शांतिपूर्वक संपन्न कराई जाएगी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है, शरारती तत्वों पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान एसडीएम नजीबाबाद ब्रजेश कुमार, सीओ नजीबाबाद गजेंद्र पाल सिंह, थाना अध्यक्ष मंडावली हिमांशु चौहान, भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी इसम सिंह, भाजपा नेता मास्टर रमेश बेगराज सिंह, पवन कुमार, मास्टर ब्रह्मपाल सिंह वाजिद, शहाबुद्दीन ठेकेदार, राजीव अग्रवाल, नरेंद्र शर्मा, मुकुल त्यागी, इंजीनियर शादाब हैदर, सुनील कुमार, वसीम अहमद आदि मौजूद रहे। नमस्कार बिजनौर तक में आपका स्वागत है। गैस सिलेंडर पर खाना बनाते समय अचानक विस्फोट होने से एक ही परिवार के दो मासूम बच्चों सहित पांच लोग गंभीर रूप से झुलस गए। झुलसे लोगों को निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। गैस में लगी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के भी मदद लेनी पड़ी। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल जनपद बिजनौर के थाना धामपुर इलाके के गांव सुहागपुर में अखलाक नामक व्यक्ति के घर पर जब उसकी पत्नी व बहन खाना बनाने रसोई में घुसी और चूल्हा जलाने का प्रयास किया तो अचानक विस्फोट हो गया। चारों ओर लगी भीषण आग से अखलाक सहित घर के सभी सदस्य झुलस गए। झुलसे पांच सदस्यों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखलाक है। कैसे हुआ पूरा मामला बताओ। ये हम जैसे गैस चालू कराने, गैस चालू करने के बाद जैसे आग जलाई तो तुम थे नहीं घर पर? सब नहीं, मैं तो बाहर से थे, नमाज पढ़ गए। नमाज पढ़ के आया था। जब क्या हुआ पूरा मामला बताओ, कैसे हुआ? मतलब जैसे कि पहले ही और इसका लीक हो रहा था तो मैंने बंद करा दिया था। से मैंने इसका पैप निकाल कर देखा, मैंने कहा कभी इसका पैप उठ चल रहा हो या लीक हो रहा। जैसे मैंने पैप निकाला तो इसका गैस निकलने लगा। मैंने फिर पैप चिल्लमा बाप से लगा दिया। लड़की बोल रही मम्मी मैं इसका रेगुलेटर निकाल कर देखा। उन्होंने जैसा रेगुलेटर निकाला वैसे ही हो इसका जैसा गैस निकला तो पलट के इसका गैस निकलता रहा। हम निकल कर सब बाहर खड़ा हो गए। बच्चे ने हमने लड़के को बुलाया बाहर से, वो ना आया। उसने देखा तो उसने ऐसा एकदम से खड़ा करके इसका ढक्कन ढक्कन गैस बाहर रख दिया निकाल कर। बस वो लड़की बोली बहुत देर के बाद, आधा घंटे के बाद छोक लू। उसने जैसे स्टोव चालू करा ना, तिल्ली चाली ऐसे इसमें आग लगी। नमस्कार बिजनौर तक में आपका स्वागत है। पीड़ित महिला को आरोपियों के परिवार वालों ने घर बुलाकर धमकाया। बिजनौर माननीय न्यायालय द्वारा धारा 376, 354 बी, 504, 506 आईपीसी के अंतर्गत थाना कोतवाली बिजनौर में मुकदमा कायम कराया गया था। पीड़ित महिला द्वारा अपने पड़ोस में रहने वाले मोहम्मद अरशद पर आरोप लगाया। पीड़ित महिला ने बताया कि अरशद उससे पिछले 10 साल से प्यार करता है। उसकी शादी दूसरी जगह होने के उपरांत भी अरशद ससुराल में आकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, जिसका शक होने पर उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। कुछ लोगों ने बीच बचाव कराते हुए उसे ससुराल से तलाक दिलवा दिया तथा उसके दोनों बच्चे ससुराल वालों ने रख लिए। मोहम्मद अरशद उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाकर उससे निकाह करने को कहता रहा। जब भी वह निकाह की बात करती तो वह टालमटोल करता रहा। पीड़ित महिला द्वारा एसपी कार्यालय में भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्यवाही न होने पर शिकायत की गई। आरोपी मोहम्मद अरशद के घर वालों के बुलाने पर पीड़िता उनके घर गई। घर पर अरशद के परिवार वालों ने उसे धमकाने की कोशिश की। पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके खुद के परिवार वाले भी अरशद के परिवार के साथ हमसाज हो गए हैं। पीड़िता ने आरोपी के घर पहुंचकर हंगामा करते हुए कहा कि मोहम्मद अरशद यही है और उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वह आत्महत्या कर लेगी। आप यहाँ आए थे क्या मामला? मुझे बुलाया गया था यहाँ पे।
के आते तो बात कर ले, मसला खत्म कर दे, केस खत्म कर ले। किस चीज का केस है, क्या मामला? 376-464 की बहन हो गए, मेडिकल भी हो गया मुझे, मेरे घर वाले सारी फैमिली हम साथ हो गए, मुझे अकेली को छोड़ रखा है, मारने की जोर पर धमकी दी जा रही है। फिर अकरम कह के गया कि मर जा जल जा, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कल को मैं सुसाइड कर लूंगा। मोदी सरकार क्या कर रही, किसके लिए क्या कर रही है? मोदी सरकार कुछ भी नहीं कर रही, महिला को इंसाफ ना मिले तो बेकार है मोदी सरकार में। तो आप यहाँ क्यों आई थी? मुझे बुलाया गया था, मैं अपने इंसाफ के लिए आई थी, लड़का आया हुआ है, मुझे गिरफ्तार नहीं हो रहा, पकड़ घर में चोरी छुपे से बुला रहे घर वाले।